ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد بزرگ اور پیارے بھائیو مسلمان کا ہر عمل انہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہی سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو دوسرے نمبر میں آخرت کا نام ہے اللہ راضی ہو گیا آخرت بن گئی یہ دو باتیں بن جائیں آخرت بنے اللہ راضی ہو جائے یہ پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم یہ کہ ہم کی دعوت میں ان کی محنت میں ان کی تعلیم میں سب سے زیادہ زور اسی پر دیا گیا ہے انبیاء کرام تو ان کی زندگی کا بڑا معاملہ ہے کسی کے ساتھ انا رکھنا ہم نے خواج سکین ذکر کا انبیاء کے سامنے یہی ہوتی ہے اور یہی اثر ہے کہ آخرت کے لیے دنیا کو استعمال کیا جائے کیونکہ دنیا وسائل اور اسباب کا نام ہے دنیا کس کا نام ہے وسائل اور اسباب وسائل اسباب کو استعمال کرنا ہے آنکھیں دیکھنے کا سبب ہے کان سننے کا سبب ہے زبان بولنے کا سبب ہے ماں زاد کا سبب ہے یہ اسباب ہے اور اسباب کے استعمال کی دو شکلیں ہیں ایک شکل اسباب کے استعمال کی یہ ہے کہ اپنے من کا ایک پر خرچ کیے جائیں اسباب کو جی ہاں خواہشات پر خرچ کیے جائیں دنیا کی ترقی پر خرچ کیے جائیں ایک سب ایک لائن دنیا میں یہ بھی ہے اسی لائن پر لوگ زیادہ جا رہے ہیں اور ایک لائن یہ ہے کہ اپنے اسباب سے آخرت بنائی جائے جو اپنے اسباب سے آخرت بنائیں گے وہ دھوکے سے بچ جائیں گے وہ دھوکے سے بچائیں گے حدیث پاک میں جو ہے کہ اس دنیا کو لے پت لگوں ان دنیا کو لے پت لگوں یہ دنیا تمہارے لیے اللہ نے پیدا کر دی یہ بشارت کی بات کسی بات ہے بشارت بشارت مہمان جگہ ہم نے آپ کے لیے کھانا بنا دیا ہم نے آپ کے لیے گملہ کرایا بیٹھا رکھا ہے اس طرح کی عزت ہے فرمایا ان دنیا تمہیں تک لگوں دنیا تمہارے لیے پیدا کرتی ہے سورج زمین آسمان سونا چاندی ہر چیز
किसी और मखलूक के लिए नहीं पैदा किए, फरिश्तों के लिए नहीं, जिन्नातों के लिए नहीं। उसे फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारे आदम के लिए, ये बशारत है। इन नकुल ने आपको किताब सुना को आगे फरमाया वो इन नकुम खुलिक्तुम लिल आखिरा, ये जिम्मेदारी है, एक नबी का काम होता है। बशारत भी दे, जिम्मेदारी भी बता रहे, खतरे से आगाह भी करे और रास्ता भी बता रहे। यही तरीका, यही सही तरीका है। नफा भी समझा रहे, नुकसान भी समझा रहे और रास्ता बता रहे, ताकि ये मंजिल पर पहुंच जाए। क्योंकि जिसको रास्ता नहीं मालूम होगा वो तो भटक जाएगा, भटक जाएगा, उसके साथ उसके लड़ाई से गलत इस्तेमाल होगी, जी हम फिर आखिर में हसरत होगी। इसलिए ये दोनों बातें फरमाई, बशारत भी थी और जिम्मेदारी बताई कि दुनिया तुम्हारे लिए पैदा कर दी है, बल्कि पैदा ही नहीं की, बल्कि पैदा करके उसको तुम्हारी काम में लगाया है, ये मजीद है। सखर लकुम मा फिज़्ज़ाति जमीअ और एक सखर लकुम मा फिस्समावाति वल अर्ज़, तुम्हारे लिए जमीन आसमान की तमाम चीजों को तुम्हारे काम में लगाया है। सूरह जान के तो तस्वीर तस्वीर ये तस्वीर का मामला इंसानों और जिन्नातों के जो असर के साथ है। हमारे साथ तस्वीर का मामला नहीं, तकलीफ का मामला है। तकलीफ माने वो तकलीफ नहीं, मुर्दों में तकलीफ कहते हैं, वो नहीं, ये तकलीफ माफ करना हो, वो तकलीफ नहीं, वो अलग है। जैसे गरीब, उर्दू का गरीब अलग, अरबी का गरीब अलग, उर्दू की तकलीफ अलग, ये तकलीफ अलग। ये जो तकलीफ का लफ्ज है ये जिम्मेदारी का नाम है, तुम्हें किसी काम का पाबंद किया गया है, जिम्मेदार बनाया गया है। इसलिए इंसान और जिन्नात मुकल्लफ हैं, यानी किसी काम के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, इख्तियार भी दिया गया, जिम्मेदारी डाली गई, करोगे खाना पाओगे, नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान होगा। दूसरी मखलूक को ऐसा नहीं कहा, दूसरी मखलूक को तो पाबंद ही कर दिया गया कि सूरत वो उगने के लिए, डूबने के लिए, बचपन सुंदर मुस्तफर सूरत को तो पाबंद किया है। एक अंदाजा उसको दिया कि सन्नाटे में चलना है, वो इसके इलाज नहीं कर सकता, चांद को भी इस तरह जमीन तमाम चीजों को पाबंद कर देगा अपनी खिदमत पर बढ़, खाना का उनको इख्तियार नहीं है, हमको इख्तियार दिया है ये करो और नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, लेकिन अगर नुकसान करोगे। हमें कहता हम हर चीज को अल्लाह ताला ने हमारे काम में लगाया, उसको मुशक्कत किया है, काम में लगाया। तो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बताई कि दुनिया तुम्हारे लिए है और तुम आखिरत के लिए हो, ये जिम्मेदारी बताई। इन्ना दुनिया बोले तब तक तुम वही न तुम तो इसको मिला के रहा, दुनिया तुम्हारे लिए है लेकिन तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो, ये खास बात है। इसमें नबियों की दावत है, इंसानों का रुख वो आखिरत की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी आखिरत की तरफ जा रहा है, हर आदमी। उन्होंने लिखा है कि हर आदमी आखिरत का मुसाफिर है, इसको कमरे का मुसाफिर रोका जाएगा,
जिंदा का मुसाफिर जिंदा, तो सफर नहीं इसलिए कर रहा है कि मुझे जिंदा जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है। ऐसे ही ये कि ये सब आखिरत के मुसाफिर है, चाहे अल्लाह को माने अल्लाह को न माने, लेकिन जाएगा आखिरत में। इनकुम खलिकुम अल्लाह, और आखिरत क्या है, आखिरत क्या है, क्या आखिरत वो जगह है जिसको फना नहीं है। अगर आखिरत की तकलीफ है तो तकलीफ को फना नहीं है, और आखिरत की नेमत है तो नेमत को फना नहीं है। एक आलिम बता रहा, तफसीर के बड़े आलिम है, उन्होंने फरमाया कि दुनिया हयात मौत का घर है, दुनिया हयात और मौत का घर है, हर घर में हयात भी होती है मौत भी होती है, पैदा भी होते हैं मौत भी होती है, दुनिया हयात मौत का घर है, और आखिरत माया आखिरत बदला और बका की जगह है। आखिरत क्या है, बदले में मिलेगी, और जो बदला मिलेगा वो बाकी रहेगा। आखिरत में बदले के लिए दो जगह बनी है, एक बाग एक आग। क्या है, नाग भी बने हुए हैं और आग भी बने। हदीस शरीफ में, हदीस शरीफ में आखिरत आगों की जगह है, आखिरत जो है वो आग की जगह है, इसलिए आखिरत को समझना है। खाली उसको अकीदा बनाना ये भी ठीक है, लेकिन उस अकीदे के बाद क्या आखिरत हमारा अकीदा है कि आखिरत बाकी रहमान जिंदा बना है, लेकिन उसकी उसकी क्या माहियत है कि आखिरत में ये दो चीजें, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात का संकल्प फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा बादल मौत दारुन इल्ला जन्नत अव नार। ये मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मौत के बाद आदमी का ठिकाना या हमेशा की जन्नत बन जाएगी या हमेशा की दोजख बन जाएगी, तीसरी जगह नहीं, तीसरी जगह नहीं, बीस बीस की वो खत्म हो गई दुनिया की। कुछ जन्नत के लिए है, कुछ ज्यादा दोजख के लिए है, तकलीफ भी है राहत भी है, वो खत्म। अब एक ही बात होगी, या जन्नत होगी हमेशा की राहतें होगी, या फिर हमेशा की आफतें होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहबरी कर रहे हैं कि तुम आखिरत के लिए पैदा हो, तो शो तो अपने आखिरत कैसी बनाओगे, आखिरत की तो ये नॉलेज है, यह हमेशा की तकलीफ है या हमेशा की राहत। और आखिरत मिलेगी कैसे, कि वो बदले में मिलेगी, खरीदने से नहीं मिलेगी, बदला है, बदला है। तो वो बदला क्या है कि दुनिया, अल्लाह ने दुनिया को आखिरत बनाने के लिए बनाई है, नर्जों का कहना है कि दुनिया आखिरत बनाने के लिए बनी है, दुनिया बदला को आखिरत। तो
में आकर अपनी खेती है, जमींदार खेती करता है और फिर माल घर में जाता है, फिर मौसम आ जाए तो वो मरता है। उस आदमी का माल है जिसका कोई माल नहीं है,
क्यों ये दुनिया के लिए मार जमा किया था, वो फिर काबू में नहीं रहा, या मर गया या हट गया, वो माल खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। ये सब पहले हमको समझाए हैं ताकि दुनिया की आखिरत बने। नबियों को अल्लाह ने इसलिए भेजा कि इस दुनिया से लोग आखिरत कैसे बनाए। नहीं बनाएंगी तो फिर ही होगा क्या? दुनिया दारो मल्ला दारा, दुनिया उसका घर है नंबर नहीं, दुनिया उसका मान है सकल मान नहीं, और दुनिया के लिए दुनिया वो जमा करेगा जिसको अकल नहीं होगा। दुनिया जमा करे तो वो कौन करेगा? जिसके अंदर अकल नहीं, क्योंकि जिसमें अकल हो तो नतीजा सोचेगा। मैं छोटा था तो हमारे देहातों में गिल्ली डंडे से खेलते, अब तो वो सब खत्म हो गया, तो खिलौनों की तजारतें होने लगी बड़ी बड़े। हम गिल्ली डंडे से खेलते थे तो मैंने बहुत सारी गिल्लियां और बहुत सारे डंडे जमा कर रखे। वो जम पास बन जाए साहब खेती करते थे तो खेती करने के लिए वो क्या महाकने के लिए एक खाद में लकड़ी होती है तो जब मेरे मुझे उसे काट करके मुझे गली डंडा बना देते नए पुराने बहुत से डंडे और बहुत से गलियां जमा कर वही जगह रखी थी। और जाहिर बात है गली डंडे का इस्तेमाल जब तक बचपना है वहां तक तो बचपना खत्म हो गया, तो अब खेलूंगा मैं नहीं खेल सकते। ये बात कि दुनिया की चीजों का एक इस्तेमाल का एक जमाना होता है, जब वो जमाना खत्म हो जाएगा तो वो चीजें बेहतर हो जाएगी। इसलिए कहा कि दुनिया उसका मान है जिसको का मान नहीं, सुना से मौत आएगी तो सारी चीजें बेकार हो जाएगी। तो हुकूमत की तजारत सोने वाले का सोना सुनने वाले का सब बेकार हो गए, वो उसे काम का ही नहीं रहा, तो यार अब वो ऊपर की मंजिल में चला गया। जैसे मैं बच्चा था तो गली डंडे वाली मंजिल में था, अब जवान हो गए तो जिम्मेदारियां सामने आई, पढ़ना लिखना ये करना वो करना, अब वो बात खत्म हो गई। ऐसी दुनिया के असबाब का एक दौर होता है, जब वो दौर खत्म हो जाएगा तो वो बेकार हो जाएंगे। जिंदगी अखबार पर आखिरी दौर और मौत का दौर है। आखिरी दौर क्या है? तो वो मौत का दौर है, अकेली है। मौत के तौर पर सारे असबाब दुनिया के बेकार हो जाए, हाकिम की हुकूमत, ताजिब की तजारत, जमींदार की जमींदारी, मालदार की मालदारी, सब जैसे मेरे गिले डंडे खत्म हो गए। इसने कहा कि दुनिया के लिए दुनिया वो जमा करेगा जिसको अकल डंडे के अंदर अकल नहीं थी, तो मैंने कहा समझ गया जब अकल आई वो बेकार हो गए। ऐसे जो आदमी के सामने आखिरत सामने आ जाएगी तो दुनिया उसके सामने बेकार हो जाए, वो ये मेरे कुछ काम नहीं आए। इसलिए मेरा अल्लाह ताला तबारक व तआला ने धोखे से बचाने के लिए नबियों को भेजा है ताकि कोई दुनिया से धोखा ना खावे, अपनी दुनिया से आखिरत बने, और उनके पास आखिरत बनाने के तरीके होते हैं। क्या होते हैं? आखिरत बनाने के तरीके।
जैसे दुनिया में हुनर होता है, हुनर क्या होता है, चीजों के इस्तेमाल के तरीके, कि कुम्हार होता है वो मट्टी से, मट्टी और गाय से मटके बना लेगा, उसको मटका बनाने का तरीका मालूम है। दर्जी को कपड़ा सिलने का तरीका मालूम है, उस तरीके की वजह से वो कपड़ा कारामद हो जाता है, वो गारा कारामद हो गया, मटका हो गया देव सागर पर, अब देख रहे हैं बना बना के। ये हुनर, ये हुनर चीजों की तरक्की का नाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को तरीकों के साथ भेजते, कि तुम अपनी जिंदगी में क्या तरीके इख्तियार करोगे। इसलिए नबियों के पास दो चीजें होती हैं, अल्लाह का हुक्म और अपना तरीका। ला इलाहा इल्लल्लाह ये हुक्म है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तरीका। हुक्म अल्लाह ही का हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता। हुक्म किसका? अल्लाह حاكم الله ہے. اللهم الحلال وما حللت والحرام وما حرمت والدين وما شرع والامر وما قضيت. اے اللہ حلال وہ ہے جس کو تو حلال کہے، حرام وہ ہے جس کو تو حرام کہے. حلال ہونے کا حکم، حرام ہونے کا حکم یہ اوپر سے آئے گا. پھر اس حکم کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ نبی بتا دے. ये आखिरत बनाने की बात शुरू होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह हुक्म ऊपर से है, क्या हुक्म अल्लाह के जवाब को दूसरा नहीं दे सकता, हुक्म अल्लाह का चलेगा, क्योंकि अल्लाह हर चीज के खालिक भी है, मालिक भी, जमीन हो आसमान हो सब चीजें उसी की है, उसी की कुदरत से बनी है, उसी की कुदरत से इस्तेमाल होगी। हाँ, नफा की शक्लें हैं, नुकसान की शक्लें अल्लाह की कुदरत से बनती है। हाँ, अल्लाह की कुदरत से बदलती भी है, अल्लाह चाहेगा तो नफे की शक्लों में नुकसान डाले और नुकसान की शक्लों में नफा डाले, क्योंकि वो उसका खालिक को मालिक है। जब फरमाया अल्लाह जो चाहे वो करे, वो जैसे चाहे वह करे, उसका अपना है, किसी का कुछ नहीं, अल्लाह का है सब कुछ। तो हुक्म के हुक्म अल्लाह ताला का होगा, वो हुक्म क्या होगा? तो हुक्म मेरे दोस्तों अल्लाह ताला के लिए होते हैं कि आदमी अपनी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करे, अपने दिल को कैसे इस्तेमाल करे, अल्लाह ने दिल बनाया है, या दिल को कैसे इस्तेमाल करे, दिल का क्या वजीफा है, दिल की क्या जिम्मेदारी है। दिल की जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह ताला को अपना माबूद यकीन करे कि कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह, अल्लाह की इबादत की जाएगी, जान से भी, माल से भी, नजर से भी, अमल से भी, एक अल्लाह है उसी की इबादत की जाएगी। यह आखिरत बनने का पहला सबक। या कौम बोलूंगा हर नबी के नए मेरी कौम एक अल्लाह की इबादत कराओ। अल्लाह हुक्म देंगे और हुक्मों को पूरा किया जाएगा नबी के तरीके पर, ये आखिरत बनने का पहला कदम शुरू हो गया। अगर हुक्म को नबी के तरीके पर नहीं बोला गया फिर वो आखिरत नहीं बनाएगा, वो गलत चीज होगी। इसलिए सबसे पहली चीज हमको ये दी गई कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को आखिरत बनाने के लिए अपने अहकाम दिए। ईमान लाने का हुक्म है कि ईमान लाओ, जो खबर अल्लाह ताला दे रहे हैं उसका यकीन करो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ने फरिश्ते पैदा किए हैं मुख्तलिफ किस्मतों के लिए, नबी भेजे हैं लोगों की हिदायत के लिए, जन्नत बनाई है अच्छी अच्छा बदला देने के लिए, दौलत बनाई है बुरा बदला देने के लिए, ये सब बातें व्यक्ति है उसकी खबर की है कि इसका यकीन करो। तो दिल का अमल है कि अल्लाह ने जिन बातों की खबर दी है उस पर यकीन करें। और ये कहा कि हमारा नबी जो रास्ता बता रहे
जो तरीका बता दे अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करने में, इबादत करने में, उस पर आखिरत करने का रास्ता। इसलिए मेरे दोस्तों, हम अल्लाह ताला के नबियों ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी है, उसकी नेमतें हैं, उसकी कुदरतें हैं, ये समझाई और जिंदगी की जिम्मेदारी समझाई। नेमत भी अल्लाह की तरफ से आएगी और कुदरत भी अल्लाह की है। अल्लाह नेमतें अपनी कुदरत से देगा, नेमतें अपनी कुदरत से देगा, अपनी तरफ से देगा, इब्तिदा अपनी तरफ से करेगा। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है कि नेमतों में शुक्र गुजार बनो। एक दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे हजरत मुआज़ इब्न जबल को कि मुआज़ देखो ये तुम्हें मैं एक दुआ बताता हूँ, उसको कभी मत छोड़ना। तो क्या दुआ है? फरमाया ये दुआ हर नमाज के बाद मांगा करो, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। मालूम दुआ है, मसनून दुआ है, नमाजों के बाद इसको मांगना चाहिए। रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह मेरी मदद कर। किस काम पर? दुआ का तर्जुमा, मेरी मदद कर। किस काम पर? मेरी मदद कर तेरा जिक्र करने पर, कि मैं तुझे मैं तेरा जिक्र करूँ, और मेरी मदद कर तेरा शुक्र करने पर। जिक्र और शुक्र करने पर मदद मांगी। क्यों? कि आदमी की तरफ अल्लाह की तरफ से दो चीजें आती हैं। एक अल्लाह के अहकाम आते हैं। क्या आते हैं? रात को भी, दिन को भी, हर हाल के अहकाम होते हैं, गरीबी के, मालदारी के, बीमारी के, तंदुरुस्ती के, हर हाल के अहकाम आते हैं बंदे की तरफ। उन अहकाम को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए? उस अहकाम को पूरा करने के लिए बंदा अल्लाह का जाकिर होना चाहिए, क्योंकि वो काफिर होगा तो रुका नहीं पूरे करेगा। तुझे याद रखने वाला बनू, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला बनू, इसलिए मुझे जिक्र की तौफीक दे, मैं तेरा जाकिर बनू। अपने पढ़ाऊंगा कि अल्लाह को याद रखने वाला जिंदा, और अल्लाह को मैं याद रखने वाला मुर्दा। मुर्दा क्या काम करेगा? जिंदा करेगा। जाकिर जिंदा है, जिंदा इसलिए है खुदा की तरफ से जो जो हुक्म आएंगे वो पूरे। इसलिए मुझे तरह जाकिर बना, क्योंकि हर आदमी जो अल्लाह के एहसास में होता है वो अल्लाह का जाकिर माना जाता है। उन लोग होते भी जाकिर होते, हर वो आदमी जो अल्लाह के एहसास में है वो अल्लाह का जाकिर है। हाँ, जिक्र की शुद्ध इब्तिदा होगी तस्बीहात से, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बान से सुभान, ये शुरू होता है ज़बान से करना पड़ा। ऐसे तो मुझे अपना जाकिर बना, तो अहकाम मेरे तरफ आएंगे मैं उसे पूरा करने वाला बनूँ, और मुझे शाकिर बना कि तेरी नेमतें मेरी तरफ आएगी। नेमतें देते हैं, तंदुरुस्ती देते हैं, मालदारी देते हैं, तो उसके जवाब में शुक्र, तो नेमत के जवाब में शुक्र, हुक्म के जवाब में जिक्र। जाकिर बने, वापिस न बने, शाकिर बने, एहसान खराब हो न लगे कि अल्लाह ने एहसान किया, अल्लाह के एहसान बुला दिया। तो हमारी जिंदगी मेरे दोस्तों जिक्र वाली, शुक्र वाली, ये तालीम है कि अल्लाह का कमाल हमारी तरफ आए। इज्तिमाई अहकाम भी आएंगे, इंफरादी अहकाम भी आएंगे, दोनों किस्म के अहकाम आएंगे। मिल की काम में जुड़ के करो, इंफरादी तौर पर भी करो, दोनों तरीकों के हुक्म जब पूरे हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला के वादे पूरे होंगे। अल्लाह ताला ने जो वादे किए थे, क्योंकि अल्लाह ताला के वादे आखिरत बनाने की भी है, दुनिया बनाने की भी है, और वो आदमी के अमल पर। इसलिए नबी आकर के अल्लाह ताला के जो वादे हैं
उसके पूरा शर्तें पूरी करने की दावत देते हैं कि अल्लाह की शरत को पूरी करो। जब शरत पूरी करोगे तो वादा पूरा हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला के हुक्मों के पूरा करने में हालात आते हैं, क्या कहें, दुनिया हालात का घर है। दुनिया क्या है? हालात का घर है। बचपना हुआ, जवानी हुई, बुढ़ापा हुआ, ये भी हालात है। एक हालत नहीं रहती जिंदगी, दुनिया हालात का घर। बीमारी आएगी, तंदुरुस्ती आएगी, गरीबी आएगी, मात दुश्मनी दूर, ये दुनिया हालात का घर है। तो क्या करना चाहिए? जिंदगी हालात के हिसाब से गुजारे या जिंदगी हुक्म के हिसाब से गुजारे? मदद मांगी है कि मेरी मदद कर, तेरे जिक्र करने पर, तेरा शुक्र करने पर, अच्छी इबादत पर। इस वजह से कि दुनिया हालात का घर है। यहाँ पर आदमी पर हालात आते हैं, जैसे रात लंबी हो गई, दिन छोटे हो गए, दिन बड़े हो गए, रात लंबी, भी हालात है। मौसम बदलते हैं तो मौसम भी बदलते हैं, और जिन लोगों पर ये मौसम बदलते हैं उनके हालात भी बदलते रहते हैं। मौसम हम पर बदलते हैं तो जिस तरह मौसम बदलते हैं इनके हालात भी बदलते हैं, मुख्तलिफ हालात इनके ऊपर आते हैं। खुशूसन जब दीन का काम होगा तो क्या होगा कि हालात ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि दीन जन्नत का रास्ता है। दीन क्या है? जन्नत का रास्ता। और हदीसों में है कि जन्नत के रास्ते पर नागवारियां हैं और दोजख के रास्ते पर मनचाहियां हैं। दोजख के रास्ते पर क्या है? मनचाही। मनचाही करते करते दोजख में चला जाएगा, हुक्म पूरे नहीं होंगे। और जन्नत के रास्ते में क्या है कि जन्नत के रास्ते में नागवारी है। नागवारी से क्या बढ़ा दे कि नागवारी दिन बढ़ा दे कि जब भी वो आदमी का जी नहीं चाहता, आदमी का नफ्स नहीं चाहता, उसको नागवारी है। तो जितने काम जन्नत वाले हैं उनमें नागवारी है। ये जन्नत के रास्ते में नागवारियां हैं, दुर्गत के रास्ते में मनचाहियां हैं, ये दो रास्ते। इसलिए आदमी पर जब जन्नत के रास्ते पर आना चाहता है तो उस पर हालात आते हैं। नागवारियां अंदर से भी आती है, नागवारियां बाहर से भी आती है। समझ नहीं बात? तो हालात में क्या करना चाहिए? एक रास्ता ये है कि हालात के जैसे हालात है वैसे जिंदगी गुजारो। अभी हालात ठीक नहीं है तो छोड़ो, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। नबियों की तालीम में ये है कि हम जिंदगियां गुजारेंगे हुक्म के हिसाब से, हालात के हिसाब से नहीं। हुक्म देंगे कि हुक्म क्या है, क्यों अल्लाह ने वादा हुक्म पर किया है, कामयाबी हुक्म पर देंगे। हुक्म टूटेगा तो ये कामयाबी नहीं होगी। ना जो अल्लाह के नाराजगी के बाद हालात बिगड़ते हैं, ये जिंदगी किस रूप में लाती है? हालात के हिसाब से जिंदगी गुजारती है या हुक्म के हिसाब से? तो दावत यह है कि हुक्म को देखो। क्या देखो? हुक्म देखो कि हुक्म क्या है। अगर जिंदगी हुक्म पर रही और हाल को बर्दाश्त कर लिया, हाल दो किस्म के होते हैं, अच्छे या बुरे। तो नाजुक हालात को बर्दाश्त कर लिया और हुक्म पूरा हो गया तो क्या होगा कि अल्लाह ताला हुक्म का बदला भी लेंगे और जो हालात बर्दाश्त किए हैं उसका बदला भी लेंगे। जैसे गर्मी में रोजा रखा तो गर्मी का भी बदला है, रोजे का भी बदला है। ठंडी में वजू किया तो ठंडी का भी बदला है और वजू का भी बदला है। ये समझाया है हमको, ये समझाया ताकि आदमी का नफ्स न घबराए,
कि यहाँ तकलीफ है लेकिन इस तकलीफ के बाद इसका ये इनाम भी है कि हालात पर अल्लाह इनाम देंगे कि हालात को अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया है वो जो भी सभी वफादर हो वो होते लोग तब कफर अन्नाम से किया कि बलौद जल्लम जन्नत के तजले में ताहिल नहार तवाब में मिलता ये वो लोग हैं जिनको मेरे रास्ते में हिदायत हुई है अल्लाह ताला उनकी हिमायत में बात कर रहा है जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया और अल्लाह के हुक्म में उन पर हिदायत हुई तकलीफें हुई तो ये तकलीफें बेकार नहीं है नुकसान नहीं है बल्कि अल्लाह हिमायत में बात कर रहे हैं कि इनको मेरे रास्ते में हिदायत हुई है लोग हिदायत उठाते हैं तकलीफ उठाते हैं अपने कामों में वो अलग है कि मेरे कामों की वजह से इनको तकलीफ पहुंची है ये मामूली नहीं है ये मामूली नहीं है ये तकलीफ का बड़ा दर्जा है ये मेरे रास्ते की है तो अल्लाह ताला ने जो रास्ता नबियों वाला दिया है इनमें दोनों किस्म के हालात नागवार हालात भी आते हैं अच्छे हालात भी आते हैं आखिरत बनाने के लिए तो अगर नागवार हालात आए हैं तो उसका तकाजा ये है कि हाल बर्दाश्त कर लो हुक्म टूटने मत दो क्या कर लो हाल बर्दाश्त कर लो हुक्म टूटने मत दो हाँ एक बात है कि हुक्म पूरा करने की ताकत नहीं है क्योंकि तो हुक्म पूरा करने की ताकत ना हो तो हुक्म पूरा करने का तरीका पूछ लो कि इसको किस तरह करो मेरे अंदर ताकत नहीं है जैसे खड़ा होने की ताकत नहीं है नमाज पढ़नी है तो क्या करें हमें छोड़ दें कि ना पूछें जब नमाज में कैसे पढ़ो तो सहाबी बीमार होता था तो पूछता था या सोचा कयाम की ताकत नहीं है और माया बैठ के पढ़ लो ये बैठने की ताकत नहीं है इशारे से पढ़ लो वजू करने की ताकत नहीं है कि तयमुम से पढ़ लो आखिरत बनाने के लिए मेरे दोस्तों जिस तरह हुक्म दिए हैं आखिरत बनाने के लिए इल्म दिया है उसको इल्म कहते हैं हमारे तकलीफ में इल्म निकले क्या है उसकी कमी है इसलिए काम भारी हो गया है हाँ अल्लाह ताला तो ये फरमाते थे कि इन्नमा शिफाउल अय्यिद अस्सुआ आदमी हार गया थक गया परेशान हो गया तो क्या करें कभी पूछिए किसी से कि मैं इसको कैसे करूंगा तो मुसाफिर पूछे रास्ता भूल गया तो क्या करेगा हम लोग पूछते भाई पोस्ट ऑफिस का है रेलवे स्टेशन का है तो कितने ही बताने वाले मिलेंगे रिवाज है दुनिया तो चला नहीं गया जब हुक्मों पर जिंदगी गुजारना मुश्किल पड़े क्योंकि तुमको हुक्म का एक ही तरीका मालूम है जब नमाज खड़े होकर नहीं पढ़नी है तब खड़े होने की ताकत नहीं है तुम पूछो तो तुम्हें हुक्म का दूसरा तरीका बताया जाएगा जैसे कोई बीमार होते ना केवल डॉक्टरों की दवा नहीं होगी यूनानी दवा पड़ो खाली हुए तक करो फिर वो छोटी छोटी बोल जाएगा कि हमने भी सुना हिदायत के मुख्तलिफ तरीके ऐसे मेरे उत्तर हिदायत का जो रास्ता है उसमें भी मुख्तलिफ तरीके हैं उसकी वजह से आसानी होती है हमारे लिए दीन मुश्किल दूसरे हो गया कि दीन के पूछने पाछने का रिवाज खत्म हो गया हालांकि हमारी दावत में इल्म और जिक्र है तो इल्म और जिक्र इसलिए है जब किसी हुक्म के तरीके में मुश्किल मालूम हो तो उसे पूछो कि मैं इसको कैसे करूं ताकि तुम्हें आसानी मिले क्योंकि अल्लाह का इरादा आसानी का है यूरी तो अल्लाह बेटू और यूसर अल्लाह का इरादा आसानी का है दुश्वारी का नहीं है दुश्वारी क्यों आई कि तुमने पूछा नहीं है तुमने सीखा नहीं है नबियों की दावत में आखिरत बनाने के लिए मेरे दोस्तों जिस तरह हुक्म की ताबेदारी है हुक्म का तरीका जानना भी है हम
पूछें, हम सीखें कि इसका क्या तरीका है। जब पूछोगे तो क्या पूछोगे तो बहुत गुंजाइश मिलेगी। अल्लाह ने दीन में कोई तंगी नहीं रखी, लेकिन तंगी तो आएगी कि जहालत की वजह से। हाँ, जैसे नाबीना है तो बेचारों पर सुन जाएंगे, लेकिन आने वाला है तो उसके लिए ऊर्जा कर नहीं है। तो जानने वाले ऐसे हैं, जानने वाले हैं, तो ना जानने वाले हैं जैसे नाबीना। आखिरत बनाने के लिए मेरे दोस्तों हुक्म हुक्म और हुक्म के तरीके इसको सीखना पड़ेगा। जब भी हुक्म पर अमल सही होगा कि उसका उसको सीखा है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दीन सीखने की तरकीब दी है कि अपना दीन उस पर सीख सीख कर बूझ बूझ कर अमल करो, ताकि अमल सही हो जाए। जब अमल सही होगा तो अल्लाह ताला उसके ऊपर अपना वादा पूरा करेंगे, और वही कामयाबी है कि अल्लाह का वादा पूरा करें। इसलिए ये काम मेरे दोस्तों एक मेहनत का काम है, उस मेहनत में नकलो हरकत नहीं है जो हम कर रहे हैं, लेकिन नरी नकलो हरकत नहीं है। जैसे चक्की, ये चक्की का चलना तो जरूरी है, लेकिन नरा चलना जरूरी नहीं। नरा चले खाली पत्थर पर पत्थर गिरे तो क्या करते हो, अंदर डालते हैं, डालते हैं अंदर, डाल के चलाओगे तो जो चीज डाली है वो चारों तरफ फैलेगी। तो नकलो हरकत के नर को रब ईमान यकीन के साथ, नकलो हरकत इल्म के साथ, नकलो हरकत जिक्र के साथ, ये मतलब इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हरकत दी है, ये तो उनकी बात है, असली बात है कि उम्मत को एक तरह से हरकत दी है। वो कौन सी हरकत है, जो आखिरत बनाने वाली हरकत है। जैसे अरब जाहिर मैंने सफर करते थे मुल्कों का इजारतों के लिए और अपनी जरूरतों के लिए, हरकत तो उन्हें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हरकत को इधर मोड़ा, हरकत किसके लिए करे, आखिरत के लिए करे। हरकत हरकत की तो बहुत अहमियत है, हरकत हरकत के बगैर हरकत जो है नतीजा के लिए, ये उम्मत हरकत के लिए खूब खरीदत है, ये हरकत के लिए मैं जाती थी अपनी जगह बैठने के लिए कि नहीं। इनकी हरकत है, इनकी हरकत ईमान के लिए, इनकी हरकत इबादत के लिए, इनकी हरकत इल्म के लिए, इनकी हरकत जिक्र के लिए, इनकी हरकत हिम्मत के लिए, इनकी हरकत आखिरत के लिए। इसलिए इस हरकत की वजह से मेरे दोस्तों सारी चीजों को हयात के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयासत की मिसाल ऐसी दी है जैसे आसमान से बरसने वाला पानी, पानी की क्या तासीर है, कि पानी की तासीर यह है कि उससे हर चीज जिंदा हो जाती है और हर चीज जिंदा रहती है। पानी ना हो तो जो चीज नहीं है वो जाहिर हो गए कि नहीं, और जो है वो मर जाएंगे, जो पानी मुंकटे हो गया, और पानी हो तो ये मौजूद जो है वो भी रहेंगे और जो गैर मौजूद है वो भी मौजूद हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के बाद रखने वाले पानी की तरह है, ये पानी सबकी हयात का जामिन है। इसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहनत के हर तबके की कामयाबी का जामिन है, हर तबके की कामयाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में। ताजिर हो तो, जमींदार हो तो, मजदूर हो तो, हाकिम हो तो, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारे यहाँ हर शोबे के फजाइल हैं, हर शोबे के मसाइल हैं, हर शोबे के फजाइल और हर शोबे के मसाइल।
निकाह के मज़ाइल इबादत के मज़ाइल, इबादत के मसाइल, तिजारत के मज़ाइल, तिजारत के मसाइल, हुकूमत के मज़ाइल, हुकूमत के मसाइल, मजदूरी के मज़ाइल, मजदूरी के मसाइल, तबलीग, तबलीग, ये मैंने कहा कि खाली हरकत का नाम नहीं है, हरकत के साथ और चीजें भी है। क्यों? कि जितने शोबे दुनिया में चल रहे हैं, इन शोबों में की कामयाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के हुक्मों में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में है, इसलिए उसके फ़ज़ाइल बताए, उसके मसाइल बताए। अच्छा, इबादत के फ़ज़ाइल वो तो है, पांच अरकान के फ़ज़ाइल लिखे गए, कलमे के, नमाज के, रोजे के, ज़कात के, हज के, कुरान के, तिलावत के, इबादत है, तो इबादत के फ़ज़ाइल लिखे गए, तो इबादत के फ़ज़ाइल भी हैं और इबादत के मसाइल भी हैं। नमाज सही तरीके पर आने के लिए मसाइल चाहिए, हज सही तरीके पर आने के लिए हज के मसाइल चाहिए, मसाइल से अमल सही तरीके पर आएगा, जब सही तरीके पर अमल करेगा तो उसकी फजीलत मिलेगी, जो अमल गलत होगा उसकी फजीलत नहीं मिलेगी, जो पैसे फूटे हैं उसे वो अमल नहीं कर सकता, फूटे पैसों से कोई चीज नहीं देगा, अमल गलत होगा तो। इसलिए जितने शोबे जिंदगी के हैं वो ठीक है, लेकिन उन शोबों में इनके मसाइल बताओ, इनके मसाइल बताओ, ऐसे वो शोबे सही हो जाए। तबलीग व दावत इसलिए है, जैसे बारिश का पानी सबके लिए, इस तरह तबलीग व दावत के सारे शौकों के लिए, भैया तिजारत जरूर करो, क्यों? हलाल कमाने का जरिया है और लोगों के लिए आसानी का जरिया है कि माल बाल चलाएगा तो शहर में देगा तो आसानी हो गई। जी हाँ, तिजारत ऐसा अमल है कि सारी दुनिया उसको मानती है, अगर आप तिजारत के बेस पर विदा होंगे तो नहीं रहेंगे। हाँ, तिजारत के विदा करा लिया, हमारे पुल पर आओ तिजारत करो। जी हाँ, ऐसी चीज है तिजारत, तो तिजारत के तिजारत दीन के साथ, जिन्हें का तिजारत छोड़ो तकलीफ करो ऐसा नहीं, ये तिजारत करो किसके साथ? जिन के साथ। जब जिन के साथ करोगे तो तुम्हें तिजारत की फजीलत ऐसी मिलेगी जैसे नमाज की फजीलत मिलती, नमाज की फजीलत, नमाज के लिए चले तो भी सवाब मिले, नमाज के इंतजार करे तो भी सवाब मिले, मस्जिद पर झाड़ू दे तो भी सवाब मिले, मस्जिद बना रहे तो भी सौंप गया, क्यों? कि नमाज अंदर है, नमाज के लिए दारा हो रहा है, फजीलत, फजीलत असल चीज की भी होती है, उसके बताए की भी होती है। तुम्हें तिजारत के, तिजारत के बजाय तुम्हें तिजारत फजीलत मिलेगी, ईमानदार ताजी जो है कल नबियों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, अल्लाह ताला के साये गनी से होगा, कौन? ताजिर अबू बकर के ताजिर, उमर के ताजिर, उस्मान के ताजिर, अल्हाय ने उलिदुल्ला के ताजिर, अब्दुल्ला बिन नवाब ताजिर, ये सब ताजिर है, वो बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े ताजिर, उनसे ही नहीं करते तिजारत छोड़ दो, बल्कि उन्होंने अपनी तिजारत में दीन दाखिल किया, ये दावत के लगे कि जिस शोबे में हम हैं उस शोबे में दीन आ गए। पहले ऐसा होता था कि हर शोबे वाले के लिए अलग 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 नबी आता था, शोएब अलैहिस्सलाम ताजिरों के वास्ते आए, सालेह अलैहिस्सलाम तक्काजे वालों के लिए आए। जी हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम हुकूमत वालों के लिए आए,
अलग अलग उनकी रहबरी करनी है कि तुम इसमें दीन दाखिल करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी चीजें तुम छोड़ो, एक नंबर छोड़ो, और ये भी हम चाहते हैं तुम्हारी चीज हमको दो जो हमने मांगी, मगर जिसको समझा देने कि हम हुकूमत करना नहीं चाहते, हम हुकूमत करना नहीं चाहते, लेकिन हमारा नहीं चाहता है कि हमको पूछकर हुकूमत करें। क्या हमको पूछकर हुकूमत करें? क्यों? ताकि हम हुकूमत के लगे गिरा बताने लगे। एक तो हुकूमत करके फिरौन खालिक हो गया, नमरूद हलाक हो गया, और उसके लिए ना दुनिया में ये नाम फिर जाए, ऐसे भी हुकूमत करने वाले गुजरे हैं कि हुकूमत हम नहीं चाहते, मगर कोई हुकूमत करे तो हमसे पूछे। क्यों? कि उसका जन्नत का सही तरीका हमारे पास है। दावा चीजी की है कि तुम अपने चीज अपने पास रखो, लेकिन उसका तरीका हमसे पूछो। हमें तुम्हारी हुकूमत नहीं चाहिए, तुम्हारी तिजारत नहीं चाहिए, तुम्हारी जमीन हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा माल हमको नहीं चाहिए, तुम्हारी औरतें हमें नहीं चाहिए। ये सब चीजें हुजूर शाह ने पेश की थी ना लोगों ने, तो उनमें से एक चीज थी हमने कबूल नहीं फरमाई कि मैं इसके लिए आया ही हूँ। मैं तो तुम्हें जिंदगी का गुजारने का वो तरीका बताने के लिए आया हूँ जिससे तुम्हारी दुनिया और आखिर बन जाए। उसने फरमाते थे कि हमारे यहाँ हर शोबे के फजाइल हैं, हर शोबे के वसाइल हैं। फजाइल के ध्यान के साथ और तरीकों के पाबंदी के साथ अपनी दुनिया बनाने से मेरे दोस्तों आखिरत बन जाएगी। आखिरत बनाना कैसे बनाना? कि फजाइल के ध्यान के साथ और तरीकों की पाबंदी के साथ, जो तरीका बताया है तरीकों की पाबंदी और फजाइल का ध्यान। फजाइल का ध्यान इसलिए है कि जब फजाइल का ध्यान होगा तो रगबत बढ़ेगी, शौक बढ़ेगा फजीलत की वजह से कि तुम ये काम करोगे अल्लाह तुम्हें ये देंगे, अल्लाह तुम्हें ये देंगे। कैसा मुझे अल्लाह ये देंगे? हाँ, कितने मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ये नबियों का रास्ता है कि लोगों को फजीलत बताओ, फायदा बताओ, बरकत बताओ, ताकि अपना नफा समझ कर चले। हमें कहना नहीं है, लेकिन तरीका भी सीखो। क्या सीखो? तरीका कि नमाज का तरीका है, नमाज की फजीलत है, हज का तरीका है, हज की फजीलत है। ऐसे ही हर शोबे की उसकी फजीलत, उसका तरीका, उसकी फजीलत, इल्म जिक्र का यही मतलब। उसके हाथ हमारे अंदर कमी है, उसकी कमी है, इलम की कमी हो गई, जिक्र की कमी हो गई, यानी इताअत की कमी हो गई। जज बाजे जब नफा दे मालूम होगा तो इताअत में कमी आ गई, और नफा समझेगा तो फिर इताअत में कमी नहीं करेगा, वरना नुकसान होगा। इसलिए इसके ध्यान के साथ तो फिर हमारा हर शोभा कि हमारा हर शोभा आखिरत बनने में मदद कर बने। दुनिया को दीन बनाने के लिए बात चीजें जरूरी है। एक चीज ये जरूरी है दुनिया से दीन बनाने के लिए कि दुनिया के कामों में अल्लाह का क्या हुक्म है, उस हुक्म का यकीन और उस हुक्म की पाबंदी, तो अल्लाह ताला का हुक्म। दूसरी चीज उस हुक्म के पूरा करने में तरीका क्या है वो, और तीसरी चीज कि नैयत में इख़लास। अगर ये बातें पैदा हो जाएगी तो आदमी की दुनिया दीन, आदमी की दुनिया से दीन बनेगा, दीन से उसकी आखिरत बनेगी। बहुत आसान रास्ता, बहुत आसान। भाई दुनिया से सोना बनाने का तरीका बहुत मुश्किल, लेकिन दुनिया से आखिरत बनाने का बहुत आसान। सोना बनाने का तरीका बताओ, पता नहीं बनता है, मतलब कहते हैं ऐसा मैं सोना बनाता हूँ, तांबे से सोना बना, कीमिया कर। लेकिन दुनिया से आखिरत बनाना ये बहुत आसान। वो क्या? इसमें तीन चीजें शामिल करो कि देखो तिजारत में अल्लाह का क्या हुक्म है,
और हुक्म के पूरा करने का क्या तरीका है कि हुक्म को तरीके से पूरा करो और नियत आखिरत बनाने के रखो, दूसरी गलत बताओ तो तिजारत दीन बन गई। तिजारत मजदूरी दीन बन गई, मजदूरी है पैसे नहीं है मजदूरी करता है, तो मजदूरी करने का हुक्म क्या है और तरीका क्या है? हुक्म पूरा करना तरीके के साथ और नियत आखिरत बनाने की, कि बस मजदूरी के मजदूरी दीन बन जाएगी, मजदूरी से आखिरत बन जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जो मजदूर शाम को थक करके दूर हो जाता है तो शाम को ही उसकी मगफिरत भी हो जाती है। अर्थ इसकी बताइए, अर्थ इसकी बताइए कि मन हमका काल नफ्स अमल यदि हमका बकुरा लो, ये तो शाम को थक करके दूर हो गया कुली कुली तो शाम को जो उसकी मफरत हो गई तो कुली बंद हो गया है। कुली क्या हो गया? वही क्यों? रोज उसकी मफरत होती है, रोज वो थकता है। हाँ रोज थकता है तो रोज रोज मफरत होती है तो उसके वो बंद हो गया, दुनिया से नींद बन गया। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि रास्ते कराओ, हमें तुम्हारी दुनिया नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी दुनिया कीमती हो जाएगी, वो रास्ता हम बताएंगे। अभी ये कहते हैं वो रास्ता हम बताएंगे, जो चाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको दावत दी, आखिर में नवाबों को हकीमों को उनको दावत दी कि तुम मेरी बात पर आओ तुम कामयाब हो जाओगे, मुझे तुम्हारी दुनिया नहीं चाहिए, लेकिन तुम मेरा तरीका ले रहे हो। तो आज यही बात रही है कि हम तुमसे दुनिया नहीं मानते, क्यों? ये लोग दुनिया मान करके दावत दे वो दावत ही नहीं है। दीन का काम जाति अगराज से खाली होना जरूरी है, कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं, आखिरत बनाने के लिए करना है। अगर उसमें कोई गलत शामिल हो गई फिर वो दीन नहीं है। इसलिए इस काम में हुक्म तरीका और इखलास से नियत है कि अपने नियत को खालिस बनाओ। नियत किसको कहते हैं? नियत वजह अमल को कहते हैं। नियत किसको कहते हैं? वजह अमल। तसव्वुर का नाम है कि मैं नियत करता हूं, वो नहीं है, ये तसव्वुर है। वो नियत वजह अमल को कहते हैं। एक आदमी उठ करके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पानी पीने जा रहे हैं, तो उठने की वजह पानी पीना है, ये नियत हुई। फिर कहाँ जा रहे थे? पेशाब की हाजत है, तो पेशाब की हाजत के लिए उठना ये वजह अमल हुई है, उठने की वजह, उसी को नियत कहते हैं। नियत के बाद फिर अमल होगा, हरकत होगी। तो देखिए दिल में क्या नियत आ रही है, किस लिए कर रहे हो, कौन सी चीज उठा रही है, उठा रही है कौन सी चीज अमल पर तैयार कर रही है। तो शैतान और नफ्स ऊपर की चीजें दिखाता है कि तुम्हें तुम्हारा ये हो जाएगा, ये होगा, कोई जाति फायदा जाति गलत मौत से पहले की कोई बात, ये नफ्स दिखा देगा और शैतान से पहलेगा। और नबी कहेगा नहीं, तुम अपनी नियत यह करो कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मैं जाकर बन जाए, नफा हो दुनिया का तो नुकसान हो तो, लेकिन मुझे तो करना ही ना करते अपने ये नियतों को संवारना ताकि अमल बर्बाद ना हो जाए। हाँ ये भी आखिरत बनाने में है कि अपने नियतों को संवारो, या आखिरत बर्बाद ना हो, जब नियत बिगड़ी थी तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। शैतान का यही काम है कि शैतान अव्वल तो काम करने नहीं देगा, और अगर काम पर खड़ा हो गया तो क्या उसमें दूसरी चीज शामिल करेगा, ऐसा ये भी कर दो ये भी कर दो। हाँ दूसरी चीज नहीं गई अंदर कि वो अमल किया वो गिरा, बनावट आ गई उसके अंदर, असली नहीं रही।
वहां ऐसा फरमा देते हैं कि शैतान एक काम ये करता है कि आदमी में कोई अफजल अमल पर खड़ा होता है तो उसको अफजल अमल से गैर अफजल अमल में लाता है। अफजल से नीचे उतार दिया, या तो अमल करने नहीं देगा, और अगर करने देगा तो ऊंचा अमल था उसे नीचे पर ले आएगा, उसका काम ही यही है। समझा बुझा कर ये करा था, इसलिए कहते हैं नजर, कि नजर हमेशा अल्लाह के वादों पर और नबी के तरीके पर। अल्लाह का वादा है और नबी का तरीका है, इसमें दूसरी बात में है। तो फिर नियत खालिज बनती है, नियत नियत को खालिज करने के लिए दो वजह है, कि मुखलिसीन के साथ रहो, इसके साथ मुखलिसीन के साथ रहो, जो इखलास के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वापस होकर गुजारते हैं, कोई गलत नहीं है, तो शौकत से इखलास आता है और मेहनत से इखलास आता है, जिससे मेहनत से इखलास आता है, कि आदमी मेहनत करता रहा करता रहा तो फिर अल्लाह ताला उसको अपना लेते हैं। जिसके नहीं कि जब आदमी मेरे तरफ एक बारिश पड़ता है तो मैं अपने हमर को एक हाथ पढ़ाता हूँ, एक हाथ पड़ता है तो मैं अपने हमर को दो हाथ पढ़ाता हूँ, तो बाद में अल्लाह की तरफ देखता है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ खींचते हैं और उसको फिर अपना बना लेते हैं, फिर वो अल्लाह के लिए करने वाला बनता है। मौलाना यूसुफ फरमा देते हैं कि लगे रहो कि इखलास भी आता रहेगा। इखलास होता नहीं पहले, पहले तो रियाकारी होती है, सबसे पहले शौक होता है, रियाकारी होती है, ये सबसे पहले होता है। बड़ा जब लगा रहा और असल का नफा नुकसान खुला और अल्लाह की तरफ से पाबंदी की वजह से एक नूरानियत अंदर आती है, फिर वो अपने अगराज से बचता हुआ अल्लाह की तरफ चलता है। इसलिए फरमाया लगे रहो, इखलास आता रहेगा। इस पर अल्लाह ने अच्छी सोहबत से और इस्तेकामत की वजह से नियतों में इखलास आता है और दिल को यकसुरी मिलती है खुदा की तरफ। समझ आएंगे ना, तो अपने अंदर इखलास भी पैदा करना है ताकि अल्लाह हो जाए खुदा की तरफ, अल्लाह भी बना आगे रियाकारियों से दिखावे से। क्यों? ये आफत है। اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر، خالص اللہ کو اللہ مان کے زندگی گزارے اور میرے عمل میں ریا نہ آئے، میرے عمل میں ریا نہ آئے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، کسی اور مصلحت کے لیے نہ کرے بلکہ اللہ کے لیے کرے، کلیان کرے یہ عمل اللہ کے لیے ہو جائے نہیں آتے رسل جب हुआ है कि अलहक बती उस शहर, अलहक बती उस शहर, हक की रफ्तार धीमी होगी
और बातें उनकी रफ्तार तेज होगी, बातें तेजी से फैल जाएंगे, जैसे धुआं ऊपर उठ जाता है फिर जल्दी खत्म भी हो जाता है। हाँ लेकिन दर्द टूटेगा तो वो एकदम ऊंचा नहीं हो जाएगा, वो तो धीरे धीरे अंदर तक अपनी ताकत पकड़ता है, उसकी जड़ें, फिर उसकी जड़ मजबूत हो जाएगी, फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। ये मिसाल दी है अल्लाह ने, अल्लाह ने इतना बताया शाता वो मार दादा वो पत्थर पत्थर वाला उसको कही कि पहले छोटी सी कोमल निकलती है वो जमीन में जाती है, फिर धीरे धीरे वो कुत पकड़ती है, फिर वो कुत मजबूत रहती है। ऐसे हक है, इसमें इशारा है कि जो हक पर चले वो घबराए नहीं, मुख्तलिफ हवाएं आएंगी, जैसे वो पौधा मुख्तलिफ हवाएं आते हैं, इस समय ईमान वाले के वो मुख्तलिफ हवाएं आती है, जैसे उजाश पर मुख्तलिफ कभी उधर चुकाया कभी उधर चुकाया, ऐसे ईमान के रास्ते में मुख्तलिफ हवाएं आएंगी, मुख्तलिफ हालात आएंगे, लेकिन जमे रहे तो जमे रहे तो अल्लाह ताला तुम्हारी कुव्वत के साथ अपनी कुव्वत शामिल करेगा। तुम्हारी कुव्वत के साथ अपनी कुव्वत शामिल करेगा, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के दीन के लिए अपने कुव्वत का इस्तेमाल करो, जानी ताकत है, माली ताकत है, फिक्री ताकत है, सोच समझ की ताकत है, जो ताकत अल्लाह ताला ने दी है कि उसको अल्लाह ताला के दीन पर लगाओ, अगर वो कम है कमजोर है तो घबराओ मत, उसके साथ अल्लाह की ताकत होने वाली है। अल्लाह तुम्हारी कुव्वत में अपनी कुव्वत का इजाफा करेगा, ये अल्लाह ताला का वादा है, और यही मेरे दोस्तों अल्लाह ताला के वादे नबियों के साथ दुनिया में जाहिर हुए, इसलिए अल्लाह ताला की ताईद से और अल्लाह की मदद से दुनिया में हम फैलता है, माल से मुल्क से किसी जाहिरी ताकत से ये काम नहीं फैलता, बल्कि वो तो अल्लाह की ताकत से करता है, अल्लाह की निगरानी में चलता है। नबी से कहा गया फैन के भी आयो ने ना, ए नबी आप घबराए नहीं, आप हमारी निगरानी में है, क्या है तो काम अल्लाह के निगरानी में होता है, घबराना नहीं चाहिए, हवाएं आएगी मुख्तलिफ, लेकिन अल्लाह के अल्लाह जो है अपने काम का निगरान है, अपने काम की निगहदाश्त करने वाला है, खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम में परवरिश पाई, बाप भी नहीं माँ भी नहीं दादा भी नहीं, सब सब जल्दी है, तो कौन है कि पहले तक कभी आए उन्हें ना, आप हमारी निगरानी में है और आपके काम को अल्लाह ने चलाया, तो कैसे चलाया कि सारी दुनिया में चल गए, तो कैसे फैला कि कुदरत है, वो अल्लाह की सुन्नत है कि जब काम को मिले दोस्तों इन तरीकों के साथ, इखलास के साथ, इल्म जिक्र के साथ, इबादत के साथ इसको चलाया जाएगा तो अल्लाह की ताकत इसका साथ देगी, और अल्लाह के साथ देने के मुख्तलिफ तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है दुनिया में, तो साथ देने का एक ही तरीका है दुनिया मान, वो क्या मान क्या देंगे, मान देंगे हुकूमत ने इतनी रकम मंजूर की है, कहते दुनिया में कि भाई क्या मान इतनी रकम मंजूर हो गई, तो उनके पास तो रकम ही नहीं है, और अल्लाह के पास अल्लाह के पास कुदरत है, वो कुदरत से मदद करते हैं, वो कुदरत की कोई खास शक्ल नहीं है, कोई खास शक्ल नहीं है, बल्कि कुदरत से मदद करने के बहुत रास्ते हैं, इसलिए हर नबी की मदद अलग अलग तरीके से हुई है, नूह अलैहि सलाम की मदद एक तरीके से हुई, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत इजाएं बर्दाश्त की, अब उनसे मानने की उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने अल्लाह से मदद मंगवाई, रब्बे इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ऐ अल्लाह मैं तो दबा दिया गया, तुम उन मारते थे नूह अलैहि सलाम को, वो बेहोश हो जाते थे, अपना काम करते थे, अब आप फिर माँ की मदद, मैं दबा दिया गया हूँ और पूरी बदला दे, तो मदद आई, और मदद पानी से आई, मदद के लिए पानी आया,
ऊपर से भी पानी नीचे भी पानी, जमीन को उठम दिया जब तक पानी निकालो, ऊपर आसमान को उठम दिया कि पानी बरसाओ, तो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ये पानी मदद के लिए आ रहा है। पहले दावत होती है, फिर दावत के साथ मदद होती है, दावत देते देते वो दावत एक मैयाद पर पहुंचती है, जब उस मैयाद पर पहुंचती है तो फिर अल्लाह का फैसला आता है। पहले नबी के साथ ही हुआ, उनसे काम कराया, काम करते करते मदद के बस क्या हो गया काम, और उनकी मदद से भी पानी आया नीचे से ऊपर से, तो कितना पानी आया ये पहाड़ डूब गए, किसी समझ में ना आ रहे कितना पानी आया पहाड़ डूब गए। इस पानी में उनकी मदद आई कि उनको और उनके साथ वालों को कश्ती में देखने का हुक्म दिया, कश्ती बनाकर कि तुम इसमें रहो, और पानी को चढ़ाया, अच्छी आदमी थे उनके साथ, अस्सी में से 7 तो उनके घर में, बाकी 73 कौन की उनके बेटे उनके बहुएं और खुद, ये सारे 3 बेटे 3 बेटों के और थे, और नौ इस्लाम खुद कितने हुए ये सारे, तो बाकी कौन की बिल्कुल अच्छी, इतने लोग मेहनत के बाद इसलिए मदद मांगी तो मदद आई, पानी की राज वो पानी पहाड़ों पर, ये पानी पहाड़ यहाँ पानी पहाड़ों पर था, एक ही तरीके से जब पानी नीचे उतरा तो वो कश्ती पहाड़ पर जमी, यूदी पहाड़ किताब के शिमाल में हमारी जमात वहां तक गई थी, शादी के जमा के बाद रात में हमारे जागने लगे थे, तो वो यूदी पहाड़ है, तो जूदी पहाड़ पर वो कश्ती की तरह जमे, पानी उन्हें जो उतर रहा है तो कश्ती पहाड़ पर जम गई, जूदी तो ये डली है पानी ऊपर था पहाड़ से ऊपर, तो ये मदद के लिए आया है, हक वाले बच जाएंगे ना हक वाले अलग हो जाएंगे, मदद होगी फैसला हो गया, बहुत नबी की मदद अलग अलग तरीके से हुई, सबसे ज्यादा मदद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है, सबसे ज्यादा मुख्तलिफ अस्बाब से आपकी मदद आई है, कभी फरिश्ते आ गए मदद के लिए, कि फरिश्ते भी आए, मगर फरिश्तों ने आकर कभी रौब डाल दिया वो खाली पकड़ की में तो वो काम नहीं कर सके, मैं रोग हो गई रोका, इसराइल में हम क्या बलि को ले जाकर जाओ मैं उनका रोक डालता हूं, तो उनके जुल्म में रोक पड़ गया, तो बोले हो गए तो कभी रोक डाल दिया, हवा से मदद आई, कभी ये हुआ कि मुट्ठी पर मिट्टी लेकर के ला तो सब की आंखों में गिरी, वो मुख्तलिफ तरीके से आपकी मदद आई, यही वादा अल्लाह ताला ने उम्मत के साथ भी किया कि जब ये काम करेंगे तो इनकी मदद मुख्तलिफ तरीकों से होगी, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीन आमनू फिल हयाति दुनिया व यौम यकूमुल अशहाद, कि हम मदद करते हैं अपने रसूलों की और हम मदद करते हैं ईमान वालों की, बस दो ही किस्म मदद पाने वाली है, नबी होते हैं अपने जमाने में तो वो नबी मदद पाते हैं, नबी नहीं होंगे तो ईमान वाले मदद पाएंगे, वादा जारी है अल्लाह ताला, शर्त ये है कि वो वादे के की जो शर्तें हैं वो पूरी हो जाए, जब वादे की शर्तें पूरी होगी ईमान के साथ इबादत के साथ इखलास के साथ कुर्बानियों के साथ ये काम करेंगे, और वो काम इतना जितना अल्लाह चाहते हैं
वहां तक हो जाना चाहिए, जितना अल्लाह चाहते हैं वहां तक पहुंच गया या फिर अल्लाह का फैसला आएगा। इसलिए काम में मुख्तलिफ हालात आते हैं। मकूला है वाले तीन इतबारों में इतबारों, ये तीन में कभी इतवार आएगा और कभी इतवार आएगा। शुरू से है ये, घबराना नहीं चाहिए। शुरू से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आप की वफात कैसे आ गई, चारों तरफ दीन फैल गया, चारों तरफ दुश्मन दोष हो गए थे, कभी लेकर कभी ले इस्लाम में दाखिल हो गए। आपकी वफात हुई तो एकदम लोग मोटर हो गए, खुद करते थे खिलाफ हो गए मुख्तलिफ सूचन। ये इतने के ये हालात कहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, शुरू से है। एक हाल पर बात नहीं, अल्लाह ताला अपने कुदरत बताते हैं। क्या बताते हैं? अपने कुदरत। तो अब उनके जमाने में लोग मदद हो गए, जगह देना बंद कर दिया, दुश्मनों ने वजीले पर हमला हमला करने की हिम्मत है की और खबरें आ रही है। हाँ अभी 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 हवा खा रही है। ये न समझे कैसा क्यों होगा, कैसा कैसा हुआ ही है, अगर की फरमाते ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होगा। तो क्या कहें कि आप अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने ये किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम की जो तरतीब थी, जो तरीका था, उसमें इतना भी फर्क आने नहीं दिया। ये उनकी अजीमत की बात थी कि जो तरीका हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, इसमें कमी नहीं आएगी। बस ये उन्होंने पूर्व व्हाट्सएप को इस तरतीब पर जमा भी किया और इस तरतीब पर सबको इस्तेमाल भी किया, उन्हें कोई हरत नहीं, बल्कि लोगों को अल्लाह के अर्थ में इतना निकाला कि मदीना खाली हो गया, सिवाय औरतों के और कोई नहीं था अंदर। क्यों? कि हमारा तरीका है, हम अल्लाह के रास्ते के लिए वो तमाम मेहनत करेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद मेहनत के साथ है, अल्लाह की मदद की कुर्बानी के साथ है, अल्लाह की मदद इखलास के साथ है। इखलास और इत्तेबा ये दो जरूरी है। तो कहते हैं कि कुल दो महीने ये सारा इंतजार रहा, दो महीने के करीब करीब में सारा इंतजार खत्म हो गया और सुकून हो गया। साहबा कहते थे कि अगर अबू बकर ना होते तो आज मदीने पर आग बरस गई, क्योंकि उनके आज मदीन जाए हो जाए तो आग बरसी नहीं होती। अबू बकर का दम कदम था, और अबू बकर का दम कदम क्या था कि उन्होंने अपनी तरतीब को संभाला है, जो तरतीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम की बताई थी उस पर खुद भी रहे और सबको तैयार करके रखा और सबको आमादा किया और अल्लाह ताला ने हालात को बदल दिया। इसलिए कि हालात जो बदलेंगे मेरे दोस्तों वो तो अमलों से बदलेंगे, जब अमल सही माने में होंगे अल्लाह हालात बदलेगा, वरना ये चढ़ा होता है दुनिया में होता रहेगा, इससे कोई न घबरा नहीं। और अपनी तरतीब पर बाकी रहना जरूरी है, अपनी ताकत के मुताबिक, कितनी ताकत है जितना करें, जितनी ताकत है अपनी कितनी ताकत इस्तेमाल करें, कुछ नहीं होता है तो ये बताओ में बिल्कुल काम के होता और बड़ी जबरदस्त रुकावट है तो क्या करें। उन्होंने फरमाया कि ये सारे के सारे इस्तिगफार करें, क्या करें कुछ ना और बड़ी रुकावट कि ये अल्लाह ताला के सामने इस्तिगफार करें, क्यों कि इस्तिगफार पर अल्लाह का वादा है من لزم الاستقاء جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکال دیں گے اور ہر پریشانیوں میں سے چھٹکارا دیں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے ان کو کہ ان کے سب کچھ نہیں تھا۔ طاقت میرے دوستو اللہ کی عمل کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے استغفار ہی کرو، अल्लाह की ताकत अमल के साथ है, शख्स के साथ नहीं, फलाने की वजह से नहीं, अमल की वजह से। इसलिए नबियों ने हमको
अमल की दावत दी है, अमल की तालीम दी है, अमल की मंजिलत बताई है, अमल के तरीके बताए। अल्लाह की जो मन अदा है कि वो अमल छोड़ने की वजह से आएगी बल्कि अमल पर कायम रहने की वजह से आएगी। जितनी ताकत है उतना करो, जितने जितने गुंजाइश है उतना करो, तो फिर आगे अच्छा रास्ता कि अल्लाह का नकल जाए। अरे को बीमार होते को जितने तुम्हारे ताकत देखा सब कमजोरी है कि कमजोरी की वजह से बोला अल्लाह कमजोरों का मदद कर देगा। अल्लाह जिसका मदद कर अल्लाह कमजोरों का मदद कर कमजोरी कमजोरी तो अल्लाह की मदद को फेंकती है कि कमजोरी में अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुए तो क्या अल्लाह ताला कमजोरों की मदद करता है। छोटे बच्चों की वजह से उनके माँ बाप को रोजी देता है अल्लाह का, क्योंकि बच्चे कमजोर है वो रोजी नहीं कमा सकते। फिर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उसके जवान बेटों को उनके माँ बाप की कमजोरी की वजह से रोजी देते हैं, बोलते कि मुझको जॉब मिल गया कि तुझको जॉब के लिए माँ बाप की वजह से मिला। हाँ ये उसूल है कि तुम्हारी मदद तुम्हारे कमजोरों की वजह से होगी। ये काम नहीं कर सकते कमजोर हो गए हैं कि हाँ इनके साथ अल्लाह की मदद होगी, क्यों ये काम पर। तो इसलिए मेरे दोस्तों दुनिया जो है वो तो जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह है और आखिरत बदला पाने की जगह है। दुनिया लोगों को अदा करने की जगह है, आखिरत उसका बदला पाने की जगह है। तो ये देखना है कि हम पर अल्लाह ताला का क्या हक है। जब ये हक अदा करेंगे तो उसका बदला देंगे। हक पैमान हुआ फिर पैमानी है बर्बादी है। हक के साथ अल्लाह की मदद होती है, हक की दावत होती है, हक की तरबियत हक में तरबियत होती है। इसलिए अपनी नियतों को अपनी नियतों को इखलास के साथ एक दूसरी बात अल्लाह की मदद आने के लिए इस्तेकामत के साथ काम करें। इसके साथ कि काम इस्तेकामत के साथ करो। नबियों को इस्तेकामत का हुक्म दिया जाता था, मूसा अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम को इस्तेकामत का हुक्म दिया, क्यों करके हमने हालात उनके सामने बहुत शदीद थी। फिरौन की हुकूमत थी और बहुत जालिम हुकूमत थी, बहुत जालिम जालिम हुकूमत कि तुम इस्तेकामत के साथ रहो। उन्होंने अपना काम किया, बहुत काम किया, फिर देखा गया अब उम्मीद नहीं है तो बदुआ की। मूसा अलैहिस्सलाम ने बदुआ की, फिर उनकी हलाकत की और हारून अलैहिस्सलाम ने आमीन की। ऊपर से जवाब आया कि तुम्हारी बदुआ कबूल हो गई है। जवाब आया दुआ का, दुआ बड़ी चीज है मेरे दोस्तों। नबियों के रास्ते की चीज है, दुआएं मांगनी चाहिए। दुआ ऊपर जाती है, महफूज भी रहती है, मकबूल भी होती है। लोगों को ये होता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, ये गलत बात है। दुआ महफूज भी रहती है, मकबूल भी होती है। मकबूल होती है तो उसका नतीजा दे देते हैं, नतीजा नहीं देना है तो उसको महफूज रखते हैं। फाइल है दुआओं की, उसको महफूज रखता है। क्यों? जिसका बदला हिकमत से देना है, कभी देर से देना है, कभी आखिरत में देना है, जिससे उसको महफूज है। उलमा ने लिखा है कि दुआ महफूज भी रहती है, मकबूल भी होती है। मकबूल हुई तो मामला खत्म हो गया, तुमने मगर दे दिया, नहीं दिया तो उसको गलती में डाल दिया। ऐसा है कि नहीं वो महफूज है। तो दुआ मांगी मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी हलाकत के लिए, तो जवाब आया कि दुआ कबूल होगी, हमने तुम्हारी दरख्वास्त कबूल कर ली, बाकी तुम काम पर कायम रहो। दुआ मैंने कबूल कर ली है और तुम दोनों क्या करोगे? अपने अमल पर कायम रहो। पदोजी पर दावत हुकुमा फस्तकीमा, ये हुक्म हमको भी है, हम दुआ भी मांगे और अमल पर कायम भी रहे, फिर खुदा को जो करना है वो करेगा। क्योंकि तुम्हारी दुआ कबूल भी हो गई है और तुम्हें क्या करना है कि कायम रहो। तो वो काम तेरे कितने दिनों काम किया, दुआ का जवाब आने के बाद
उलमा ने लिखा है कि दुआ का जवाब आने के बाद 40 साल काम किया। हम लोग तो 40 दिन वाले हो ना, वो 40 मनसाल हो। हाँ, नबियों के 40 सालों की बातें होती थी, 40 दिनों की नहीं होती। लिखा है कि दुआ मांगने के 40 साल के बाद फिर उनको अल्लाह ने डुबाया, तो 40 साल काम किया। इसे का अपर सतीमा के अमल पर कायम रहो, अमल की जान है ये, थोड़ा तो थोड़ा लेकिन कायम रहे, थोड़ा हो कायम रहो। हमारे हजरत जो हम लोग मदरसों में पढ़ाते थे तो सबक रोज सबक पढ़ाना, किसी वक्त तबीयत अच्छी नहीं है, कम से कम एक सतर पढ़ा दो ताकि खला ना पड़े, क्या सबक नहीं हुआ। इसके कारण इसका वजह से हम तालीम एक पर एक पर एक पर हो गई बात, चुनाई होते नहीं तमीर तो एक पर एक पर जितने ही तरह अपने आखिर तक ले जाए, इन्हें क्या थोड़ी कि बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल छोड़ी थी तो इस मकान में कब रह गए। वो तो एक पर ही लगते इसके नक्शा पूरा करते। तो काम करने वालों की जिम्मेदारी इस्तेकामत की भी कि वो अपने अमल में इस्तेकामत करा करें, कि अमल नाका न हो, टूटे नहीं, कभी हुआ कभी नहीं हुआ कैसा नहीं, बल्कि कभी टूट गई तरतीब तो इस्तीफार करें, याद मुझे अब उन्हें मेरी शिरकत ने मुझे अल्लाह मुझे माफ करना दो। बुजुर्गों ने ऐसा सीधा कि तस्बीह पढ़ते थे, तस्बीह आज छूट गई तो इस्तीफार करें कि यार साहब इनसे तस्बीह छूट गई, आज मेरी तस्बीह रह गई, आज मेरा जिक्र रह गया, इस्तीफार करके फिर शुरू करें। हाँ, इससे नफ्स की तरबियत होती है और नफ्स खैर के कामों का आदी बनता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रास्ते में जाने वालों से फरमाते थे कि अल्लाह के रास्ते में जा रहे हो, अपने आप को खैर के कामों का आदी बनाना। साहिब ने वक्का जा रहे थे अल्लाह के रास्ते में लोगों को लेकर के कि देखो ये तुम्हारे साथ जा रहे हैं, इनको खैर के कामों का आदी बनाना। तबलीग दावत कि हम खैर जो हमारा काम है हम उसके आदि बन जाए, कि आदि बनने से बहुत सब लोग जानवर भी आदि बन जाता है, फिर वो किसी किस्म की हट नहीं करता, घोड़ा हो बैल हो आदि हो गया। हाँ, वो मकान की पहचानता है, हम लोग तो देहाती लोग हैं, हमारे जानवर होते तो मैं बैल चला बैल को पानी पिला देता था छोटा देख मार उसको सिर्फ और आदत कहते हैं कि दांत पर मालूम मानुष हो गया है इस प्रकार से, तो खुद ही चला आता है कि ये घर हैवान की आदत, हैवान में ये बात है किसी चीज से वो आदि हो जाएगा, मालूम और मानुष हो जाएगा, जानवर भी और इंसान। तो मैं फरमाते अपने आप को खेल के कामों का आदि बनाओ, कि हम नमाज के आदि बन गए, हम सफे अबल के आदि बन गए, मस्जिद में जल्दी जाने के आदि बन गए, निकल के आदि बन गए, उठने के आदि बन गए, आदत बनेगी तो इबादत बनेगी। उलमा ने लिखा है कि दीन पहले आदत में आएगा फिर इबादत में पलट जाएगा। छोटे बच्चे नमाज पढ़वाते हैं तो उनका नमाज तो फर्ज है नहीं, बाकी ना पढ़ते वो जानता नहीं, लेकिन उनसे नमाज पढ़ाओ, क्यों वो नमाज का आदि हो जाएगा। फिर जब बालिग हो जाएगा तो अब इबादत समझ कर करेगा, सीख कर करेगा, अब आई इबादत बालिग हो गया। उलमा ने लिखा है कि दीन पहले आदत में आएगा फिर इबादत में आएगा, अब इबादत समझ कर करेगा, हुक्म समझ कर करेगा, मुखलिस हो गया, मुखलिस हो गया, जनता को हुक्म है
पढ़नी है नमाज अल्लाह को होंगे तो तबलीग करनी है जकात देनी है हुक्म समझ कर। इसलिए जैसे दोस्तों ये मेहनत है जो हमको दी गई है इसके बहुत फवाइद है उस पर देखिए फवाइद चलिए इस मेहनत पर बाकी रहेंगे तो इसके आगे हो जाएंगे। फिर इतना आएगा फिर हुक्म से मोहब्बत हो जाएगी। हाँ तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ईमान की मोहब्बत लगा कर दी फरमाते थे लोग इस काम को करेंगे तो उनके दिलों में अल्लाह के हुक्मों की मोहब्बत आ गई। जैसे माल की मोहब्बत करते माल की मेहनत करते हैं माल की मोहब्बत आती है। अच्छा माल की मोहब्बत तो है खुली हुई बात है जितनी मेहनत माल की होगी इतनी मेहनत जितनी मोहब्बत बढ़ेगी। फरमाते थे जब लोग अल्लाह के दीन का काम करेंगे तो इनको अल्लाह के हुक्मों से मोहब्बत हो जाएगी। नमाज से मोहब्बत हो गई जिक्र से मोहब्बत हो गई सबका खैरात से मोहब्बत यहाँ तक कि आखिर में मौत से मोहब्बत हो जाएगी। खालिद बिन वलीद कहते थे ईरानियों को उन्होंने दावत दी तो ये कहा कि मेरे साथ ऐसी कौन है कि जैसे तुमको शराब से मोहब्बत है मेरे साथ हर साथी ऐसा है कि उसको मोहब्बत मौत से मोहब्बत तो अल्लाह के लिए मरने को तैयार है उसको मौत से मोहब्बत क्या भी है। तो फरमाते थे कि जब लोग अल्लाह के नीयत का काम करेंगे तो उनको अल्लाह के हुक्मों से मोहब्बत हो जाएगी। फिर अगर वो अमल नहीं हुआ तो अपने अंदर उसकी कसर महसूस करेंगे जैसे चाय की आदत है चाय नहीं मिली हाँ पान की आदत है पान नहीं मिला तो तबियत पर बोझ हो जाता है। ऐसे ही मेरे दोस्तों तहज्जुद की आदत आप तहज्जुद नहीं पड़ी तो तबियत पर बोझ होगा आज मेरी तहज्जुद अदा हो गई आज मेरी तबियत उल्लत छूट गई आज मेरी जमात छूट गई ये कलक होगा ये मोहब्बत की दलील है इसकी दलील है मोहब्बत की दलील है अभी समझ से मोहब्बत हुई इसलिए उसके छूटने का रंज हो रहा है। शरीर में है इधर हजरत का हजनतों का वर्षा कैसे ही है तुमका फांतम होने जब तुझको अपने नेकी से अंदर खुशी होने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज ये काम करा दिया अल्लाह ने मुझे अपने रास्ते में निकाल दिया बाद में नमाज हो गई तहज्जुद हो गई अपने अमल से तुझको जब अंदर खुशी होने लगे और अपने गुनाह और गलती से तुझको अंदर रंज होने लगे तो समझ के तू मोमिन बन रहा है। ईमान बनने की अलामतें हैं ये गलती हो गई गुनाह हो गया तो फटक हो गया अंदर मैंने ये क्या किया मैंने ये क्या किया मैंने ये क्या किया ये ईमान बनने की निशानी है। तीसरी मेरे दोस्तों हमको ये मेहनत दी है इस मेहनत से ये है अंदर ईमान भी बनेगा खैर का आदि बनेगा जी हाँ खैर के कामों का आदि और खैर का काम करके अंदर से खुश होगा कि अल्लाह ने आज मुझसे ये काम कराया अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी और ये अल्लाह को पसंद है कि जो खैर का काम हो तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करेगी अल्लाह मुझे कराया मैं क्या करता अगर तू तौफीक ना देता ये मुखलिस अल्लाह के एहसान मानता है जी हाँ। इसलिए मेरे भाइयों काम तो करने से ही होगा सुन लिया ये भी ठीक है समझ लिया ये भी ठीक है आगे कि आगे फिर इसका अपने आप को पाबंद किया ये जरूरी है खाली सुनना नहीं सुनना तो गाने के लिए उसको गा रहे वो सुन लो ऐसा खाली कुछ नहीं है कितना मैं सुना दिन में ऐसा नहीं है सुनना भी है समझना भी है और फिर जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा करना अल्लाह की मदद इतनी आएगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। कहीं शरीर में साफ है क्या मांगना तो अल्लाह पर मांगना कि अल्लाह की मदद इतनी मिलेगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी कि हमारी जिम्मेदारियों के बदल मदद हो मदद क्या होगी कि अल्लाह ताला हमारे अंदर वो सिफतें पैदा करेगा जिस सिफतों से अल्लाह राजी होता है यकीन की सिफत इखलास की सिफत उम्मत से हमदर्दी की सिफत
अल्लाह से डरने की सिफत, ये सिफतें अंदर पैदा होती है काम करने की वजह से। इन सिफतों पर बंदा नवाजा जाता है। तो मेरे दोस्तों, काम करते रहने से यह अंजाम आता है कि वो अच्छी सिफतों वाला बनता है, गलत काम करने से गलत सिफतें पैदा होती है। झूठ बोलते बोलते ये झूठा हो गया, चोरी करते होते चोर हो गया। नफ्स में ये बात उतरती है, जब अच्छी चीजें उतरती है, अच्छी अमल उतरते हैं तो अच्छी सिफतें पैदा होती है, गलत अमल होते हैं तो गलत सिफतें पैदा होती है। उसी को लेकर आदमी आखिरत में जाता है, अच्छी सिफत गलत सिफत ये लेकर आखिरत में जाता है। तो यह आखिरत बनेगी या आखिरत बिगड़ेगी, तो दुनिया को अल्लाह ताला ने आखिरत बनाने के लिए दिया है, और अल्लाह ताला ने आखिरत बनाने की असबाब दिए हैं, ईमान दिया, इल्म दिया, जिक्र दिया, कुर्बानी कुर्बानी की दावत दी हमको, ये आखिरत बनाने के असबाब है। आखिरत बनाने के लिए आखिरत का इल्म, दुनिया बनाने के लिए दुनिया का इल्म, जो दुनिया बनाए तो दुनिया के इल्म सीखते हैं तो उससे दुनिया बनेगी, आखिरत भी बनेगी। आखिरत के लिए आखिरत का इल्म लेना है, कुरान और हदीस और सुन्नत ये आखिरत का इल्म है। आखिरत बनाने के लिए आखिरत वाला इल्म चलेगा, जैसे हर मुल्क में जाओ तो वहाँ की करंसी चलेगी, वहाँ के वहाँ की करंसी में वहाँ का सामान मिलेगा। ऐसे आखिरत या आखिरत वाले इल्म से मिलेगी, आखिरत तरीकों से मिलेगी, आखिरत कुर्बानियों से मिलेगी, आखिरत दुआओं से मिलेगी। दुआ भी मांगनी चाहिए, दुआ भी मांगनी चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगो, हुक्म है कि मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। दुआ आसमानों पर जाती है तो दुआ का इकराम होता है, क्या होता है दुआ का इकराम, कि बंदों की अर्जियां आई है, बंदों की दरख्वास्तें आई है। हदीसों में कि अल्लाह के दरबार में दुआ से बढ़कर किसी अमल का इकराम नहीं है। हाँ, अल्लाह की इनायत है कि सबसे पहले दुआ ही सिखाई, आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई बंदन में, क्या हुई भूल, भूल से परेशान हो गए, तो क्या रास्ता होता है। अल्लाह ने दुआ सिखाई, कलेमा की अल्लाह ने, आदम ने अल्लाह ताला से दुआ के कलेमा सीख के, ये पहली इनायत है, ये पहली मेहरबानी है इंसान पर कि भूल हुई, वरना जंगल के आराम से थे और भूल की वजह से वो खतरे पड़ गए। और क्या इलाज है, भूल इलाज नहीं था, भूल इलाज नहीं था, बहुत परेशान थे। फिर अल्लाह ने ही दुआ सिखाई कि ये दुआ मांगना तो तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी। तो इब्तिदा दुआ से हुई है, क्यों تلقى آدم من ربك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ دعا سکھائی، یہ دعائیں مانگی، پتا نہیں کب تک مانگی، دعا گھنٹے مانگو گی مسئلہ صاف ہو گیا۔ تو کام سارے انتظاموں کی میں ہمارے تو دعاؤں سے بنے ہیں، اس لیے کوئی نا امید نہ بنے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ منع ہے ایسا کہنا، ऐसा कहना मना है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, क्यों ये बगैर जाने कह रहा है, किसने बताया मेरी कबूल हुई, किसने बताया, तो मना है हदीस में कि ऐसा ना कहो कि दुआ, बल्कि पता है कि दुआ वहां पर कबूल होती है जब सब यूं कहे कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह मुझसे बहुत नाराज है, ये भी मत सोचो, अल्लाह बहुत मेहरबान है। उन्होंने लिखा है कि ये तो सोचे कि अल्लाह मुझसे नाराज है कि नहीं, तुम्हें किसने बताया अल्लाह नाराज है, किसने बताया। हालत मैं रूमी है, शैतान नाउमीद बनाता है अल्लाह से कि नहीं, अल्लाह तो बंदे पर बहुत मेहरबान है, अल्लाह रहो हूं मेरे बाद, अल्लाह बंदों पर बहुत मेहरबान है, किसने कहा, हाँ तुम नाराज मत करो, अल्लाह अपने आप को पाबंद करो, दावत है अल्लाह।
ये अल्लाह के बहुत मेहरबान है, और बंदा बच्चों के साथ वो मामला करेगा जैसे बंदे अल्लाह के साथ गुमान करेंगे। ये गुमान करो कि मेरी दुआ कबूल होती है और ना हो तो कबूल हो, तुम तो खुद अपने आप को पसंद किया कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए मेरे दोस्तों हदीसों में है कि अल्लाह से उम्मीदवार रहो, क्या रहो, अल्लाह से उम्मीदवार रहो, अबशरु वामिलु मा यज़ुर्रुकुम, बशारतें दो, हाँ अल्लाह के वादे पढ़ो, अल्लाह के वहीदे पढ़ो तो समझो कि अल्लाह हमारे क्या देना चाहते हैं, और उम्मीदवार रहो, कितना उम्मीदवार रहो, इस बात के उम्मीदवार रहो कि अल्लाह तुम्हें ऐसे हालात डालेगा कि वो हालात तुम्हें खुश कर देंगे, ठीक है, अल्लाह ऐसे हालात डालेगा कि अल्लाह तुम्हें खुश कर देगा, उम्मीदवार रहो, समझ में आया। सहाबा शिकायत से कर रहे थे कि हालात बहुत तंग है, भूख भी है, दुख भी है, खौफ भी है, ये हालात शिकायत से कर रहे थे, उसको लिए फरमाया कि तुम्हारे हालात इतने संगीन नहीं है जितने पहले उम्मतों के होते थे, कि पहले उम्मत के लोगों, पहले उम्मत में जो लोग ईमान पर होते थे उनको छीन दिया जाता था, सीधा टुकड़े हो जाते थे, तुम्हारे घर ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारा मसला हल्का है, ये कहा तुम्हारा मसला हल्का है, उनको तो छीन दिया जाता था, मगर वो अपनी बात नहीं छोड़ते थे, अपना काम नहीं छोड़ते, और तुम घबराओ मत, हालात बदलने वाले, हालात बदलने वाले, इस प्रकार अक्षर हो अमीर हो बसाने चलो उम्मीदवार रहो, अल्लाह ऐसे हालात डालेगा ये लोग तुम्हें खुश कर देंगे, समझ ऐसे हालात है कि खौफ दूर हो गया, तंगी दूर हो गई, खाने पीने की तकलीफ दूर हो गई, और दीन के फैसले के रास्ते खुल गए, भी काम था उसके रास्ते को थोड़ी देर की तकलीफ कि कुर्बानी के दिन थोड़े होते हैं, फिर बदतों के और बरकतों के दरवाजे खुल जाते, इतना वह समाते थे कि 7 साल तक मदीने में थोड़ी तंगी हमने नहीं की, 7वें साल से फिर खाना पीना आराम हो गया, 7 साल ऐसे गुजरे के पेट दर्द कर खाना नहीं मिलता था, कब मिलता था, तैबत के बाद कैबत के बाद खाने पीने के सहूलत हो गई, तैबत के आमदन जाने लगी, 7 साल गुजरे, 7 साल कोई ज्यादा नहीं है, और 8वें साल में तो सारा मसला ही खत्म हो गया, क्यों, 8वें साल में तो मसला ही बंदे हो गया, खाना है दादा की चाबी हो जाती हाथ से आ गई, काबी को बोला और लोगा अगर नमाज पड़ी बाहर नमाज पड़ी हो गया मसला खत्म, किसने कहा उम्मीदवार रहो अल्लाह ताला से, और बशारत दे दो अल्लाह ऐसे हालात लाएगा कि तुमको महफूज कर दे। इसलिए मेरे दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर एक इस्तेकामत की कि हम अपने काम पर कायम रहें, कोई मसला आए के सारे पूछो मशवरा करो, हाँ तंगी में ना पड़ो, जब पूछो कि मशवरा करोगे तो रास्ता निकलेगा, हाँ इनका शिकायत करेंगे उसको आप परेशान होंगे इनके पूछो मशवरा करो तो रास्ता निकलेगा, तो ये हमारी जिम्मेदारी इस्तेकामत की है, पाबंद रहे और अल्लाह से पाबंदी मांगे कि अल्लाह ताला हमारे कर्मों को जमा दे, अल्लाह ही जमा देगा। दूसरा अपने दीन के मतलब क्या करें, नुसरत, नुसरत और इस्तेकामत ये दो इस उम्मत के खास काम, इस्तेकामत अपने दीन पर कायम रहो, ईमान इतना बनाना जो अल्लाह के फर्जों पर खड़ा करे, अल्लाह के हराम से बचाए और अल्लाह के दीन के तकाजों पर चलाए, इतना ईमान बनाना है, इतना ईमान बनाना है कि जो अल्लाह के फर्जों पर खड़ा करे, अल्लाह के हराम से बचाए और अल्लाह के दीन के तकाजों पर चलाए, इतना ईमान बनाना है, तो तकाजे पूरे हो जाएंगे, फराइज अदा हो जाएंगे, हराम से बच जाएंगे, फिर आजाद नहीं आएगा, जी हाँ ये जिम्मेदारी है,
इसलिए मैंने कहा कि रिश्ते काम है और दूसरा कि हम अपने दिन के मददगार बने, दिन को सीखें और सिखाएं और दिन के लिए रास्ता बनाए। जब मेहनत करेंगे तो रास्ता बनेगा, जितना काम नहीं था वहाँ काम पहुंच जाएगा। हाँ, जो लोग बेखबर थे अल्लाह ताला उनको भी बाखबर कर देगा और रास्ता खोलेगा। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस काम के लिए सारी दुनिया में रास्ता खोल दिया, तो काम अल्लाह की मदद से हुआ है, वरना इसके पीछे किसकी ताकत है? कोई हुकूमत जो ताकत दे रही है, कोई सपोर्ट है किसी का? लोग तलाश कर रहे हैं भाई ये काम कह रहा है, ये तो कौन सपोर्ट कर रहा है? हाँ, तबलीग पर लोगों ने PhD की है। मैंने वो पढ़े हैं, उनके मकाले हजरत जी कराते थे बड़े बड़े, तबलीग पर PhD की है। करो PhD करो भाई, मैं चाहे हाँ करे लोग PhD, हमारा तो खुला कारोबार है, दो नंबर का काम नहीं करते, दो नंबर का काम हम नहीं करते, हमारा सब काम खुला हुआ, अजान भी नमाज भी अजान के पढ़ते हैं, नमाज हमारी मस्जिदों में होती है लेकिन हम अजान के नमाज पढ़ते, चुपचाप नहीं पढ़ते, अजान के नमाज पढ़ते, क्योंकि हमारा काम खुला हुआ है और सच्चा है। कहता है सच्चा और काम का तरीका क्या, कि हम काम के फायदे बताएंगे, काम न होने के नुकसान बताएंगे, नबियों ने यही करते नफा बताया नुकसान बताया, अब समझदार करेंगे नाकाम नहीं करेंगे, और जो जिंदगी होगा वो मुखालिफत करेगा, ये बनते हैं मरहले। अल्लाह नबियों को ऐसे भेजते कैसे भेजते, इन्ना अरसलना का बिलहक बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको हक बात देकर भेजा है और आपके काम करने का तरीका क्या है, क्या बशीर और नज़ीर है, यानी काम करने के बजाय और बरकतें और फायदे बताएंगे, न करने के नुकसान बताकर डराएंगे कि भाई ये खतरा है ये ना करो, ये नबियों का तरीका है, जबरदस्ती किसी पर नहीं। जी हाँ, अब जो मानेगा वो देख लेगा इस तरह, और जो कसरत करेगा वो करते में रहेगा, और जो जीत करेगा, जीत करने वाले को अल्लाह नामुराद बनाएंगे, ये तय है। जो भी जीत करेगा जानते हुए कि ये सही है लेकिन करने नहीं देना है, काम इनका हक है, जब वो जल के दादा कि काम तो मोहम्मद का हक है लेकिन करने नहीं देना है, ये कहता था वो मुगल अजमल शोभा था। हाँ, एक दफा ये और मुगल अजमल शोभा दोनों खड़े अबूजन, इतने हुजूर के वहां से गुजर, तो हुजूर ने मामूल को बताते अबूजन को दावत दी बार बार, तो अबूजन कहता कि ताकि तुम अभी नाम मिलते हुए हमसे, तो नबी नाम मिल नहीं होता, अभी तो अपना काम करता है, हिदायत देना था कि आज मैं दोस्त कहता कि तुम अभी हमसे नाम मिलते हुए, जब हजूर वाजे आगे निकल गए तो मुगिलाजर शोभा से कहने लगा कि सही तो इनका ही है मगर चलने नहीं देना है, ये दिन क्या कहते हैं इसको इनाद कर, तो दुनिया में इनाद भी रहेगा, अबू जहल मर गया है लेकिन इनाद दुनिया में बाकी रहेगा, नबियों के साथ जिन्नातों का भी और इंसानों का भी, नबियों के साथ जिन भी दुश्मनी करेंगे और इंसान भी दुश्मनी करेंगे, तो करें, हमारे नबी का काम खुला हुआ है, अब जो समझेगा वो राजी हो जाएगा, नहीं समझेगा गफलत में रहेगा, और जिद करेगा नबी के साथ अल्लाह उसको ना बुरा बनाएंगे, बखाब कुल्लू जब्बार अनीम, कि जितने जबरदस्ती वाले हैं जिद करने वाले हैं ये सब नाम मुराद होने वाले हैं, उसी में गया कारो उसी में गया, ये सब इसी में गए थे, ये जानते हुए कि बात तो इनकी अबू जहल इतने गया, वो तो
पहले भी ज्यादा सख्त था, इससे भी ज्यादा सख्त था, और उसके नहीं चलती वो गया अपनी जीत की वजह से। ऐसे कयामत तक एक काम करने वाले काम करेंगे, कुर्बानी वाले मदद पाएंगे, और जिंदगी के दिन दिन अंदर में खुश न करते हम अपना काम करेंगे। हाँ, हमें दुआ मांगनी है और सबके लिए खैरखाही करनी है, ये हक है कि सबका भला चाहो, हम नहीं चाहते किसी का बुरा हो, हम तो सबकी भलाई चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमत बना कर भेजा है, पानी के पानी की तरह बारिश का पानी सबके लिए होता है, बारिश का पानी वो तो सबके नफे के लिए, वो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना सबके नफे के लिए। अब ये अलग बात है कि वो आपको ना माने आप तो वो जाने, ऐसे ये दावत इसमें सबका नफा है, रहमतें होंगी, बरकतें होंगी, बलाएं दूर होंगी काम की वजह से, तो उसमें सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, इसका नफा इस रास्ते सबको पहुंचता है। जब तीन का काम होगा तो अल्लाह ताला बलाओं को उठा लेंगे, बरकत नाजिल करेंगे, तो उसका असर उनको भी पहुंचता है, वो भी फायदा उठाते हैं उससे, सीधा पढ़ेंगे तो मिलेंगे भी सारे उसके, आपकी वजह से बहुत नफा हुआ लोगों को। इसलिए मेरे भाइयों अपने काम पर यकीन करना है कि अल्लाह ने जो तरीका हमको दिया है वो हक है, वो हक है, उससे हमारी और सारी इंसानियत की भलाई है, हमें उसका हक अदा करने की कोशिश करनी है, अपनी कोताहियों की माफी मांगनी है और कोताही को पूरा करना है, और अच्छा नतीजा अल्लाह ताला लावे उसके लिए दुआ मांगनी है। नबियों के पास दावत और दुआ ये दो चीजें होती थी, दावत में वो इंतहाई मेहनत करते थे, हिजरत भी हुई, नुसरत भी हुई, बहुत मेहनत हुई, इस रास्ते में दुआ भी हुई, यही तरीका है कि अपनी मेहनत लगा इबलास के साथ और फिर अपनी दुआ भी, रातों में उठ उठ के दुआएं मांगी, तो अल्लाह ने दुआओं पर पहले भी बड़े बड़े काम किए हैं, आइंदा भी अल्लाह दुआओं पर बड़े बड़े काम करने वाला है, क्योंकि मुखलिसीन की दुआएं होती है, इखलास वालों की दुआएं होती है, अल्लाह ने बड़े बड़े काम किए हैं अल्लाह के बंदों की नेक दुआओं पर, आइंदा भी अल्लाह करेंगे, इससे कहता है उम्मीदवार रहो और काम करो तो करेंगे इंशाल्लाह। रोजाना अपने आप को तैयार कर इसके लिए कि अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है, रोजाना दुआ मांगे, रोजाना तौबा इस्तिगफार करे ताकि जो कमी कसर है वो माफ हो जाए, और रोजाना दुआ मांगे ताकि अल्लाह की मदद वो करे, अल्लाह की मदद से अल्लाह ने बड़े बड़े काम किए हैं, मानती नहीं आज भी वो काम करने वाला है, लेकिन दुआ जिक्र की हमारी समाज में बहुत कमी है, दुआ की भी कमी है, जिक्र की भी कमी है, हालांकि इसकी ताकि की है कि अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले कसरत से जिक्र करें, दोनों का अलग अलग असर है, चक्के होते एक हरकत खाली हरकत भी नहीं बनता, नीचे का पार होना चाहिए और खाली नीचे के पास से भी नहीं बनता, ऊपर की हरकत भी होनी चाहिए। इस्लाम की मिसाल चक्की की मिसाल है, इस्लाम की मिसाल चक्की की मिसाल है, हाँ इसमें हरकत भी है और जमाव भी है, दोनों है, अपने एक एक अमल पर जमो। अली फरमाते थे कि मैंने तस्बीह फातिमा जब से सुनी है कभी फौत नहीं हुई, नमाजों के बाद और सोने से पहले तस्बीह पढ़ो कि मुझता मैंने जब से सुनी है कभी पढ़ते, तो किसी ने सवाल किया, सवाल करने वाले होते कि कभी पढ़ने की ना क्या आप फलाने मौके पर मैदान जंग में थे और जबरदस्त जंग हो रही थी और आप उसमें रात से मजबूर थे उसको तस्बीह पढ़ी थी कि हाँ उस वक्त भी तस्बीह पढ़ी, वो फर्ज नहीं समझते क्योंकि मुस्तहब को फर्ज समझना जायज नहीं है,
उसका मतलब है कमल अपने दर्जे पर है लेकिन मुझे अपने इंस्टाग्राम पर लाना है उसको। शहीद बिना मुसलिये फरमा के लेकिन 20 बरस हो गई कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अजान से पहले मस्जिद में ना आया। इस्तकामत की मिसालें कहलाती है। क्या मतलब 20 साल हो गए कभी ऐसा नहीं हुआ कि अजान से पहले मस्जिद में ना आया हूँ। नबी की जिंदगी में इस्तकामत भी है, नबी की जिंदगी में नुसरत भी है, वही लेना है हमको और अपने आप को इस पर लाना है। फिर उसके साथ जो दुआएं होगी वो दुआएं मौसर होगी, वो दुआओं से अल्लाह आला कर देंगे और हमको भी आगे बढ़ाएंगे आखिरत बनाने के लिए, दुनिया कुर्बान करने के लिए नदी तौफीक होगी। इससे अल्लाह दुआ होगी अल्लाह हमें वो तौफीक दे जो अल्लाह को तौफीक देते अल्लाह हमें तौफीक अहले हुदा की तौफीक दे। इसकी तौफीक ये अहले हुदा की, ये अहले हुदा कौन है? ये अहले हुदा अंबिया और सहाबा, अंबिया और सहाबा को जो तौफीक मिली थी वो तौफीक हमको दे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तौफीक अहले हुदा। दुआएं सिखाइए, दुआएं मांगो तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं होगी। दुआ में इबादत का सवाब है और मदद का असर है, इबादत का सवाब है और मदद का असर भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि दुआ इबादत है और मदद का उसमें असर है, इसको समझना चाहिए। गलती है काम को समझ कर करने की जरूरत है तो उसकी हिम्मतें खुलेगी। तो दुआ में मदद का असर है और दुआ में इबादत का सवाब भी है, क्योंकि दुआ इबादत है। दुआ खाली अर्जी नहीं है, जैसे अर्जी होती है नहीं, वो इबादत है, सवाब भी मिलेगा और मदद भी मिलेगी। इसलिए दुआ से महरूम करें, दुआ का इस्तेमाल करें और काम को तरतीब के साथ करें। तरतीब के साथ करने से बरकत होती है, तरतीब के साथ, चाहे वो तरतीब अचानक चल जाएगी हो, मगर जब तरतीब अचानक चल जाएगी होगी तो अचानक से आला पर आएगा। हम अचानक से आला पर आएगा, एकदम आला पर नहीं जाता, वो तो तरतीब से करें। पाबंदी से इंसान की पाबंदी, इज्तिमाई अमल की पाबंदी, फिर अल्लाह से इस्तेकामत की दुआ और मदद की दुआ मांगे, अमल करके दुआ। ये नबियों का तरीका है, दुआ भी मांगो अमल भी करो, अमल भी करो दुआ भी मांगो। इसके लिए तैयार है जो जो तथा के दिए जाने मशवरों से उसको अपने ऊपर ओढ़ने चाहिए। अब क्या तकाजा है, अब क्या तकाजा है, अपने ऊपर ओढ़ो। जितने तकाजे बढ़ जाएंगे मदद की राहें इतने खुलेंगे। हजरत फरमाते थे कि मदद पहले से सामने नहीं होती, मदद तो ऐन वक्त पर आती है। जैसा फरमाते पहले से मदद तैयार नहीं होती, तो सब जब आदमी जिम्मेदारी लेगा तो जिम्मेदारी तैयार होगा तो ऐन वक्त पर मदद आएगी, पहले पर तैयार नहीं होती। मदद आप है वो आएगी लेकिन ऐन वक्त पर आएगी। नबियों के साथ यही हुआ कि पहले से निकल लेती कैम पर मदद है, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे। पेश रो ए हबीब।